एससी वर्मा काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल 24। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून हैज वेल बलून वॉज एट हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। तो इस कंडीशन दी है, ये बलून ऊपर जा रहा है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और इसने बलून को ऐसे बॉल को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। अब ये बलून कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब जैसे हम ट्रेन में होते हैं तो ट्रेन का जो स्पीड होता है वही हमारा स्पीड होता है, और हम नीचे आते हैं तो हम थोड़ा सा आगे आगे भागते हैं क्योंकि ट्रेन का स्पीड हमारे साथ आ जाता है ड्यू टू इनर्शिया, और उसके बाद हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें पुश करने वाला कोई नहीं है, ट्रेन आगे चलती जाती है क्योंकि ट्रेन के पास वो मैकेनिज्म, वो इंजन होता है जो उसे आगे की डायरेक्शन में ढकेल देगा। तो यहाँ पे भी एक बलून किसी मैकेनिज्म के कारण ऊपर जा रहा है, तो वो मैकेनिज्म बलून के पास होगा तो वो कंटिन्यूसली वो ऊपर चलेगा, लेकिन यहाँ पे बॉल जब छोड़ दिया तो बॉब को भी बलून का स्पीड होगा, जैसे हमें ट्रेन का स्पीड होता है वैसे इसे छोड़ देने के बाद ये बॉब भी जा रहा है विथ 7 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अभी छोड़ देने के बाद इसे छोड़ दिया तो अभी इसका कॉन्टैक्ट लूज होगा, अब इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इसके पास कुछ मैकेनिज्म है उसे ऊपर लेने लेके जाने वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन बॉब क्या होगा, इसे इनिशियल वेलोसिटी है तो बॉब भी ऊपर चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी ऐसे ऊपर जाके ये ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जाएगा मतलब ये बॉब है तो ऐसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बनेगी 0 और ड्यू टू ग्रेविटी फिर से वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, फिर यहाँ पे होगी उसकी वेलोसिटी सेम क्योंकि ऊपर जो फैक्टर उसकी वेलोसिटी घटा रहा था वही फैक्टर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पे फिर होगी 7 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे गिरेगा। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें पूछा है, तो एक्चुअली ये होने वाला है, ये बॉब ऊपर जाने वाला है, उसकी वेलोसिटी 0 बनने वाली है, फिर से वो यहाँ से नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो इतने जर्नी के लिए कितना टाइम लगने वाला है ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक आप T1 फाइंड कर सकते हैं। कैसे T1 फाइंड करोगे, आपको इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी V0 बन रही है, जी की वैल्यू है, तो आप टी फाइंड कर सकते हैं पहले इक्वेशन से, जो यहाँ पे T1 आएगा वही आएगा T2, और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट S=UT+1/2at² का इक्वेशन यूज करके इसे फाइंड कर सकते हो। तो T1, T2, T3 तीनों का मिलाकर जो टाइम होगा वो आप कैलकुलेट करो। अब सपोज यहाँ पे जो बॉल छोड़, अगर बॉल ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे रेस्ट पे, मतलब जैसे कि बिल्डिंग है यहाँ पे और बिल्डिंग से छोड़ दिया, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी होती है U=0, तो S=UT+1/2at². इनिशियल वेलोसिटी ये U0 होती, ये असल 9.8 होता, ये हमें पता है, तो T की वैल्यू फाइंड कर देते। लेकिन इस केस में क्या हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और डायरेक्ट बॉब छोड़ देते तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता, तो मतलब ये एस और ये एस कितना होगा, ये डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अलग अलग है तो टाइम अलग अलग लगेगा। तो देखो हम यहाँ पे यही इक्वेशन यूज करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसी डिस्टेंस का इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ पे जो बॉब था, यहाँ पे जो बॉब था मतलब इनिशियल पोजीशन, और एक कोई भी उसकी जर्नी होने दो, कोई भी जर्नी होने दो, उसकी फाइनल पोजीशन है ए, मतलब हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस पता है, वो कितना है 60, मतलब ये हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, जी पता है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको पता होने वाली बात मतलब साइन कैसे यूज करना है, अगर साइन यूज करने आता है तो फिर कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करना है, तो वो दो मेथड होगी, एक तो एक आप ऐसा कंसिडर करो कि आप यहाँ पे हो और यहां से ये सब नजारा देख रहे हो,
मतलब इस कंडीशन में आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगी ये ऐसी, मतलब आप यहाँ पे हो और ये बलून यहाँ पे, बॉब यहाँ पे, ये कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में आपका इक्वेशन क्या आएगा, तो देख लेना, ये बॉब जो है यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब आप जो देख रहे हो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है कम 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 होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो आप ये मान लेना कि जो ऊपर की डायरेक्शन लेनी है आपको तो पॉजिटिव लेनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन, डाउनवर्ड में नेगेटिव डायरेक्शन लेनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें वैल्यू कैसे पुट करोगे, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, ये बॉब जो छोड़ दिया यहाँ से, ये बॉब नीचे आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी क्या हो गया -60। इनिशियल वेलोसिटी ये यू क्या है, ये यू ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में आपने लिए पॉजिटिव, मतलब ये आएगा 70। और ये +1/2 एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो ले रहा है माइनस, तो ये आएगा माइनस, ये जी की वैल्यू 7.9.8/10 रख दो और टी स्क्वेयर, तो ये आएगा टी स्क्वेयर। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, मतलब ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसे मल्टीप्लाई किया हमने 4.9 आ जाएगा, तो ये आएगा 4.9 और थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव, तो ये आया 4.9 टी स्क्वेयर और ये आया -70 और ये आया +60, तो इसे इस साइड में ले लिया तो ये आएगा -60 = 0। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। साइन कन्वेंशन की दूसरी मेथड क्या होगी, पहले मेथड में आप यहाँ पे थे और ये ऑब्जर्व कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ही बैठना है, मतलब ये बॉब जहाँ पे है, ये आदमी जहाँ पे था, ये आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी, ये आपका ओरिजिन होगा, पहले ए ओरिजिन था यहाँ पे, तो अब ए ओरिजिन है, तो इस केस में आपको क्या दिखाई देगा कि बॉब इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आपसे बॉब दूर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। जैसे कि इसका पहले वाला न्यूमेरिकल 23 किया था हमने, बॉब को ऐसे ऊपर फेंक दिया था, बॉब ऊपर ऊपर जा रहा था, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, आपने उस टाइम पे एच मैक्सिमम हाइट जो फाइंड की थी उसमें एच आपने पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे ऐसी आपकी दुनिया भी उल्टी हो गई, मतलब ये नीचे की डायरेक्शन में अपनी आपकी दुनिया है, तो ये बॉब आपसे आगे आगे जा रहा है, तो आप ये डायरेक्शन ले सकते हो पॉजिटिव। ग्रेविटी कहाँ पे लग रही, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ग्रेविटी उसे हेल्प कर रही है, तो ये भी होगा पॉजिटिव। अब इनिशियल वेलोसिटी ये तो आपकी दुनिया के अपोजिट जा रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं नेगेटिव। तो इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन में देखना है, यहाँ पे आपने ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया था, ग्रेविटी नेगेटिव ली थी और ये ऊपर जा रहा था वो पॉजिटिव लिया था। तो इस तरह से दो में से एक मेथड आपको यूज करने साइन कन्वेंशन के लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपने पॉजिटिव लिया तो ये आएगा 60, यू आपने माइनस ले लिया तो ये आएगा -70 और ये जी आपने पॉजिटिव लिया तो 1/2 और ये 9.8 टी स्क्वेयर, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, इसे डिवाइड किया तो 4.9, तो ये आ रहा है 4.9 टी स्क्वेयर -70 और ये 60 इस साइड में आएगा। तो देख लेना इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वही इक्वेशन आ रहा है, मतलब कोई भी आप एक साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो और इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा। अब आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम के लिए इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आया था और इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे तब हमें टी की वैल्यू मिलेगी। तो रूट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ए होगा ए होगा बी और ए होगा सी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये रूट्स मिल जाएंगे हमें, ए माइनस बी मतलब ये आएगा --+7, प्लस माइनस करो और ये बी स्क्वायर मतलब ये 49, 7 का स्क्वायर 49 -4a और सी मतलब ये -60 डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू 4.9, तो इसका रूट आ जाएगा ये 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस ये आ गया यहाँ पे 60 × 4, ये आएगा 4.9, ये 60 से इसका डेसिमल चला गया और ये आ गया इंटू 6 × 4 और ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये 6 × 4 = 24 और ये आएगा प्लस डिवाइडेड बाय 2 × 4.9।
अब ये 4.9 है, तो ये 4.9 यहां से कॉमन ले लेते हम, तो ये आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रहेगा 24, ये 49 को कॉमन ले लिया तो इसका 1 और इसका 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.9। अब ये 1 प्लस 24 आ जाएगा 25, तो ये यहां पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और ये आएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.9। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा 7 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट आएगा 7 इंटू इसका स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 4.9। 7 प्लस माइनस 7 इंटू 5, तो 7 को कॉमन लेते हैं अगर हम, तो ये आएगा 1 और प्लस माइनस 7 को कॉमन ले लिया तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.9। तो यहां से माइनस लेंगे तो ये आंसर टाइम माइनस में कभी आता नहीं, इसलिए हमें प्लस ही लेना है। तो 5 इंटू 6 आएगा, 5 प्लस 1 आएगा 6 इंटू और ये आएगा 2 3 जा और ये 7 0.7, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30/7, तो टाइम आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 2 और फिर 20, तो 7 2 जा 40, ये रहेगा 6, 7 8 जा 56, तो ये 4.28 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा, या इसे राउंड करने के बाद 4.3 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा बॉब को इनिशियल यहाँ पे था तो यहाँ पे आने के लिए, मतलब उसकी जर्नी एक्चुअली वो ऊपर चला जाएगा फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये एक्चुअल जर्नी होगी, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करके ये टाइम फाइंड कर दिया। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि साइन कन्वेंशन, अगर साइन कन्वेंशन यूज करना ये इस न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी बात है, ये साइन कन्वेंशन ही इसमें आपको कुछ नया होगा, यही आपको अच्छे से यूज करना है।